जसपुर में भगवान रविदास की 647वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं जसपुर क्षेत्र के अनेक गांव पतरामपुर, रामनगर, वन श्यामनगर, बाबड़खेड़ा सहित कई जगहों पर भगवान रविदास की शोभा यात्रा सुंदर पाठ किया गया। इसके साथ ही झंडा साहिब को पुरानी पराई की जगह नई पराई पहनाकर जयंती मनाई गई, जिससे पूरा गाँव भगवान रविदास की जयकारों से गूंज उठा। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे जसपुर क्षेत्र में धर्मपुर, धारीपुरा, रामनगर वन और श्यामनगर, मतलब रमोवड़ावा, इसी क्रम में मतलब पूरे विधानसभा जसपुर में अधिकांश जगहों में मनाई जाती है, और इसके साथ साथ पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी जनसंख्या है, जहाँ जहाँ हम लोग ऐसे समाज के लोग हैं, वहाँ मनाई जाती है और बड़े ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। और यहाँ तक कि रविदास लीला भी की जाती है, जुलूस भी निकाला जाता है और जहाँ तहाँ भंडारे भी होते हैं, और वो सब अपने ही द्वारा किए हुए जो एकत्र किया जाता था उसके माध्यम से ये लोग सब करते हैं। हम रविदास जी की 647वीं जयंती मना रहे हैं, और रविदास जी का कहना था कि समाज में बुराइयों से व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अहम भूमिका रही है, और सच्चे मन वाले आदमियों में, व्यक्तियों में प्रभु का वास होता है। जो छल कपट वाले लोग होते हैं उनके मन में प्रभु का वास नहीं होता है, और रविदास जी ने बहुत सारी कुरूतियों को दूर करने के लिए योगदान दिया है और शोषित दलित पीड़ित परिवारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। पावन त्यौहार पर मैं अपनी तरफ से शुभकामना बधाई देता हूँ, और विशेष करके मैं अपने इस क्षेत्र के उन लोगों को जो कि संत गुरु रविदास जी से प्रेरणा लेकर के हर वर्ष अपनी नेक कमाई से चंदा इकट्ठा करके सभी लोगों का इसमें चंदा होता है, और जो है ये बहुत भव्य भंडारा मनाते हैं, और फिर शाम को रामायण शुरू करते हैं और सुबह को प्रसाद वितरण किया जाता है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में महिला कुछ मिल करके भाग लेते हैं।